कैसा लग रहा? खुश है यार, क्या एक घर में कोई सी चीज आती है तो अच्छा लगता है। वो छोटी सी चीज आना ना खुशी होनी चाहिए। वो है, ये देखो ये तो टूट ही गया। गाइस ये मतलब अलमारी आ चुकी है, देख सकते हो कैसे लेकर आ रहे हैं आराम से। और देखो यहाँ पे मैंने सारा साफ कर दिया, यहाँ कितनी देख सकते हो कि अलमीरा जो थी वो फिट कर दी है। अभी हम लोग इसकी पूजा करने वाले हैं, देख सकते हो कि हम लोग रेडी है पूजा करने के लिए। Hey guys, welcome back to our channel. कैसे आप सभी लोग? I hope आप सभी लोग ठीक होंगे। So guys, आज हम फाइनली जा रहे हैं लेने के लिए अलमीरा। क्यों? बिल्कुल, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है guys, क्योंकि हम लोग कल देखने गए थे और देखने के बाद में हम लोगों ने विचार विमर्श किया दोनों ने कि क्या करना है फाइनली, वो हम लोगों को पसंद आया या नहीं लेना है। हम दोनों विचार कर रहे थे, फाइनली हम घर से निकल चुके हैं, आपको दिख रहा होंगे हम रास्ते में खड़े हुए हैं। तो अभी चलते हैं वहाँ पे और भैया को बोलते हैं कि हम लोग बुक करने वाले हैं भैया, और इसको हमारे घर पे भेज दो करवाओ फटाफट से, क्योंकि इतने सारे मतलब कपड़े बिखरे पड़े ना गाइस, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो फाइनली आज मेरे हस्बैंड ने हाँ बोल दिया है तो अब ले लेते हैं। तो चलते हैं गाइस और फिर दिखाते हैं आपको कि किस तरह से हमारी अलवीरा होने वाली और उसके बाद में हम लोग क्या क्या सेट करने वाले हैं, सारी चीज आपके साथ शेयर करते हैं। चले चले चलते गाइस, अभी हम लोग पहुंच रहे हैं शॉप पे, देख सकते हो क्योंकि भैया हमारी वहाँ जो वार्डरोब हम लोगों ने पसंद करी थी वो निकाल रहे हैं। इसलिए मतलब हमको करना पड़ रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मतलब बहुत अंदर रखी हुई है वो, उसको बाहर निकाल कर पूरी चेक करेंगे कैसी है क्या है, फिर घर ले जाएंगे। अभी देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग कल जब आए थे ना, यहाँ पे कुछ सामान नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह से, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे बेड भी आ चुका है, अभी हम लोगों ने जो पसंद करी थी ना वो वाली वार्डरोब निकल रही है। एंड गाइस लास्ट टाइम हम इतना ट्रैफिक मिला आने में और लेट हो ही जाता है, और लेट हो गया हमको ट्रैफिक इतना, गाइस सबको बता नहीं सकती आप, अभी भी बाहर दिख रहा होगा आपको ट्रैफिक इतना ज्यादा, इनका पसीना देख लो गाड़ी चला चला कितना पसीना आ रहा है, मतलब ठंड में आप देख सकते हो हम दोनों को, जैकेट तो पहनी नहीं मैंने, तो क्या जैकेट पहनो, गर्मी लगती है, देख लो गाइस पीछे निकल रही है, दिख रही होगी रेड कलर में है थोड़ा सा, आपको दिखाई देंगे। तो आपको दिखाती हूँ मैं कितनी मेहनत लग रही निकालने में, देखो गाइस सबसे जो लास्ट में दिख रही है ना गाइस, वो वाली जो रेड दिख रही है वो वहाँ पर, वो वाली गाइस। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पर कितनी तकलीफ आ रही है निकालने में, बहुत मेहनत कर रहे हैं। एंड ये वाली देखो, ये रेड रखी है ना, दिख रही है आपको ये रेड हल्की की, ब्लैक के पास में ये वाली निकालनी है ना, और उनको हमने चारों को मेहनत में लगवा दिया, सब लगे मेहनत में लगवा दिया हमने। कैसा लग रहा? खुश है यार, क्या एक घर में कोई सी चीज आती है तो अच्छा लगता है, मैं छोटी सी चीज आना ना खुशी होनी चाहिए है ना, और सब चीजें कर रहे हैं तो अच्छा लगता है ना। तो गाइस ये वाली हम लोगों ने चूज करी, देख सकते हो क्योंकि ये फाइनल करी है, क्योंकि हम लोगों ने वो चूज करी थी लेकिन वो ऊपर नीचे थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि मिस्टेक थी, प्रॉपर यहाँ से थोड़ा सा फिनिशिंग नहीं आ पा रही थी उसमें से, मैंने मना कर दिया मैक को कि ये वाली फाइनल करी गाइस, पूरी अंदर से भी ठीक है, ब्रोच वगैरह सब इसमें सारा मतलब सामान अच्छे से आ जाएगा, देख लो इसमें लॉक भी लगे। खुल नहीं रहा है, मैं कह रही हूं देख लो मैं ये है तो एक वो सामने वाली भी रखी हुई है, मेरे को वो भी जम रही है, ये तो टूट ही गया वो है, ये तो देखो ये तो टूट ही गया गाइस, ये मतलब टूट गया। चलो वो वाली तो फाइनल करी हम लोगों ने, ये वाली फाइनल, ये वाली देख ली है हम लोगों ने, चेक भी कर ली है इसको, अच्छे से चेक करी है, अच्छी है ना ये वाली। हाँ ठीक है, तो गाइस ये वाली फाइनल कर दें, इसको लेके चलो, ये कितनी देर में डिलीवरी होगी? लोकेशन के हिसाब से फिर भी कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। चलो ठीक है, कितना टाइम लगेगा भैया? बोल रहे हैं गाइस आधे घंटे का, फिर आधे घंटे के बाद मैं आता हूँ आपके घर पे मीटिंग होने के बाद। गाइस अभी हम लोग घर आ चुके हैं और बुकिंग अच्छी तरीके से हो गई है और बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि थोड़ी देर में हमारी वार्डरोब आने वाली, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितना ज़्यादा फैला रहा हुआ है, सब मुझे हटाना पड़ेगा गाइस, एंड फिर यहाँ पर वो सामान रखना
तो खुल के आइए, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे हम लोग रहते हैं, तो सेकंड फ्लोर पे चढ़ा के लेके आना पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्टेयर्स जो है ना यहाँ की वो बहुत ज़्यादा छोटी है, तो उठा के लेके आएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इधर उधर दचका कुछ अगर किसी को लग गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो उसको खोल के लेके आनी पड़ेगी। तो अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में, और फिर थोड़ी देर में आने के बाद में दिखाते हैं फिटिंग करने के बाद में। हमारी अलमारी आ चुकी है, देख सकते हो कैसे लेकर आ रहे हैं आराम से। और देखो यहाँ पे मैंने सारा साफ कर दिया, यहाँ कितनी जगह हो गई, स्पेस मैंने कर दिया। ये देख सकते हो कि हमारी वार्डरोब आ चुकी है, और ये रही, खुल गया, लेके आनी पड़ी। हम यहाँ पे फिट करने वाले हैं, देख सकते हो कि स्पेस बना दी है हम लोगों ने यहाँ पे, फिट करने वाले हैं, देख स्क्रू वगैरह सब कुछ लेके आए मैं। उन्होंने हमारी यहाँ पे देख सकते हो कि अलमीरा जो थी वो फिट कर दी है। अभी हम लोग इसकी पूजा करने वाले हैं, देख सकते हो कि हम लोग रेडी है पूजा करने के लिए, क्योंकि कोई सी भी चीज़ शुभ आती है हमारे घर के अंदर, चाहे कोई सी भी चीज़ हो, तो उसकी पूजा करते हैं हम लोग, तो पूजा कर लेते हैं और फिर उसके देखो गाइस, ये वाला जो एक्स्ट्रा पटिया का मैं बोल रहा था ना आपको, तो ये वाला एक्स्ट्रा पटिया है, ये वाला पटिया, मतलब ये पूरा पहले जो सिंगल था, ये वाला ये पूरा सिंगल था, लेकिन इसमें मैंने बीच में पटिया लगा दिया, ताकि इसमें पार्टीशन हो जाएगा ना, तो कोई सा भी सामान, जैसे कि कुछ सामान यहाँ आ जाए, कुछ सामान यहाँ आ जाएगा, तो एक छोटा सा पटिया ऐड करवा लिया हमने, 200 रुपए एक्स्ट्रा लिए इसके, लेकिन पूरा मतलब फ्लोर बन गया है ये, है ना भाई? हाँ, सही, मस्त हो गया सब, वही फ्लोर हो गया, सब ठीक है, एंड फाइनली आ चुकी है। अब इसके अंदर सामान सामान जमाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। इस देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे कपड़े भी जम चुके हैं, और सारा सामान हमने जो जो एक्स्ट्रा सामान था वो सारा हम लोगों ने यहाँ पे जमा दिया है। यहाँ पे कपड़े महक की कुछ साड़ियाँ भी है, और महक के कपड़े, मतलब इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे कपड़े जमा दिए, और कुछ एक्स्ट्रा जो सामान था वो नीचे जम चुका है, तो मतलब हमारी पूरी अलमारी जो है वो पूरी तरह से भर चुकी है। और अच्छा लगा कि जो एक्स्ट्रा सामान देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था वो सारा हट चुका है, तो बहुत अच्छा लगा यार कि हम लोग लेके आए और सारा सामान यहाँ पे आ गया, मतलब अब घर के अंदर स्पेस भी बहुत हो गई, मतलब अलमारी फिट होने के बाद में, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो एक्स्ट्रा जो जगह थी ना, तो वो पूरी क्लियर हो चुकी है। देखो यहाँ पे अब एक्स्ट्रा जगह है यहाँ पे, तो कम से कम जो घर है ना वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अब, है ना भाई? और इसमें अगर नाइट में एक प्रॉब्लम हो गई थी गाइस, यहाँ पे नाइट में प्रॉब्लम ये हुई थी कि इस पर जो डोर लॉक था ना, तो डोर लॉक ठीक से लग ही नहीं रहा था, मतलब बंद नहीं हो रहा था, तो वापस सुबह भैया को बुलाया, और हमारे साथ में एक चीज़ और हो गई थी कि उसकी जो चाबी थी ना, इसकी जो चाबी, तो इसकी चाबी भी भूल गए थे भैया, तो सुबह मॉर्निंग में इसका गेट भी सही करके चले गए और चाबी भी हम लोगों को दे के चले गए। ये देखो आप, तो गाइस आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, कैसी लगी हमारी अलमीरा, वार्डरोब हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ भाई सभी लाइक करना वीडियो को, और जितने भी हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।